मोदी जी आ रहे हैं भाषण देने के लिए, पश्चिम दिल्ली का सीट है, कमलजीत शेरावत जो है यहाँ की कैंडिडेट है, मोदी जी की कैंडिडेट है, और पोस्टर पर बांसुरी स्वराज भी दिख रही है जो साउथ दिल्ली से है। तो मोदी जी अभी भाषण देने आए हैं और बीजेपी के तमाम लोग, तमाम समर्थक जो है यहाँ पर जो है भीड़ भाड़ लगाए पहुँचे हैं मोदी जी को सुनने के लिए। राम जी का भी झंडा दिख रहा है, ये क्या लहरा रहे हो? जय श्री राम का झंडा। आगे आइए थोड़ा, इधर जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, अब की बार 400 पार। बोला राम भगवान है, उसको कौन लेके आए? प्रभु श्री राम को लाने वाले ही मोदी ही है, वरना 70 साल से कांग्रेस ऐसी बैठी हुई थी और 500 साल से हमारे पूर्वज थे जो रोड पे बैठे हुए थे और कोई भी नहीं ला पाया था राम को। मोदी जी लेके आए? बिल्कुल जी, मोदी जी लेके आए। मोदी जी को जिताएंगे नहीं जिताएंगे? बिल्कुल जिताएंगे, 400 पार अब की बार 400 पार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार मोदी सरकार। मोदी तो राम जी को लाए, मोदी तो लेके आया है, मोदी तो लेके आया राम जी को। मोदी जी भी राम का ही अवतार है, मोदी जी राम का अवतार है। चलो मोदी योगी अमित शाह तीनों राम के अवतार। यार पहले एक होगा ना, तीनों राम लक्ष्मण बताना आपको, एक कोई और है। लेकिन जिताना मोदी जी को ही है, जिताना मोदी जी को ही। यार महंगाई वहंगाई का थोड़ा सा झमेला है। देखो सर, महंगाई तो होनी होनी है, जितनी बार इलेक्शन होगा उतनी बार महंगाई होगी। ये भी अपने घर से थोड़ी देंगे पैसा, सही बात है। पब्लिक की जो है, ये लोग कहाँ जा रहे हैं अभी, कहाँ जा रहे हैं? वापिस मोदी जी आ गए? वापस नहीं जा रहे, वहीं जा रहे। अच्छा अभी नहीं आ रहे हैं, आने वाले, आने वाले, आने वाले हैं। आप लोग सुनेंगे नहीं मोदी जी को? सुनेंगे, कहाँ से आए हो? हम भाई मोती बाग से आए, मोती बाग से यहाँ आए हो, क्या करने आए हो? नजारा सुंदर है भाई, एकदम मजा आ रहा है। दिल गार्डन हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया, एकदम नंबर वन हो गया, मजा आ गया भाई। वोट दे रहे हो मोदी जी को? वोट दोगे? नहीं दोगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं दोगे? हमारी मर्जी। क्या बोल रहे हैं? केजरीवाल को, वोट केजरीवाल को डालेंगे, केजरीवाल को जाएंगे वोट, केजरीवाल को। हमारी झुग्गियां देखता है, कुछ नहीं देखने आता, जहाँ हम झुग्गियों में रहते हैं ना वो हमारी झुग्गियां देखने आता है। वोट बन गया, वोट डालोगे? पहला वोट है, हां फर्स्ट केजरीवाल को वोट दोगे? केजरीवाल। तो मोदी को क्यों नहीं दोगे? हैं मोदी को क्यों नहीं? मोदी झुग्गियों की तरफ देखता ही नहीं है, उसकी निगाह तो खाली इमारतों पे रहती है। 400 पार इस बार मोदी सरकार जरूर जीतेगी, महिला मोर्चा जीता। अच्छा आपका नाम क्या है? सविता सिंह। कहाँ से हैं आप? लोधी कॉलोनी। अब हड़बड़ी में क्या, 2 मिनट रुकिए ना, 2 मिनट। हमारी गाड़ी जा रही है। अच्छा ठीक है, महिला मोर्चा से महिला मोर्चा जी का जो मार्जिन रहेगा, पिछली बार परवेज जी 6 लाख वोटों से जीते थे, कंवल जी का मार्जिन 7 लाख वोटों से प्लस। अच्छा ये भी सुन रहे हैं कि उनका टिकट काट दिया, इसलिए भी गुस्सा आया? नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये तो पार्टी निर्धारित करती है, पार्टी टिकट दे रही है तो पार्टी ने निर्धारित। उनको देखा ही नहीं मैंने आज तक, इनको किसकी बात कर रहे हो? टिकट काटा प्रवेश वर्मा की, आज तक मैंने नहीं देखा जी बिहार के अंदर। तब फिर मोदी जी को जिताओगे इस बार? वोट तो दे ही रहे हैं हर साल, क्या करें, ऑप्शन नहीं हमारे पास कोई देने का। आपके पास है ऑप्शन, भाई के पास है ऑप्शन, पार्टी का किसको दे? अपोजिशन में कोई लीडर ही नहीं है देने के लिए। मैं नहीं जानता प्रवेश बराबर कौन है, मैंने नहीं देखा, फोटो देखिए बस। हमारे सांसद रहे हैं पहले, हमने नहीं देखा, बीजेपी का सांसद बना है देखा मैंने, आज आया हूँ देखने कि कम से कम देख तो लूँ 5 साल में एक बार, फिर अगला 5 साल देखेंगे भगवान जाने, वो तो ऊपर वाला जाने का। मोदी जी को जिताओगे? हाँ जिताएंगे। कितना वोट डालोगे? एक डालेंगे सब कौन कौन वोट है? कितना पार हो जाएगा इस बार? इस बार 400 पार मात्र पक्का बीजेपी वाले नहीं आप लोग? 400 पार है पक्के बीजेपी वाले नहीं है? मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी 400 मांगे, आप लोग का 500 बोलना चाहिए। 600 बोलेंगे ना, 600 पार अब की बार 600 पार 400 पार
सीट है, 600 पार कैसे हो जाएगा? आप आइए, ये पढ़ लिख बात करते हैं, सब बराबर है। पकड़ा गया। हाँ, और बोलो। 400 प्लस। ये एक बात बताओ, मोदी जी किसके अवतार है? जय श्री राम। मोदी जी किसके अवतार है? मोदी जी किसके अवतार है? मोदी जी श्री राम के अवतार है, और इस राष्ट्र विकास में उनका बहुत बहुत योगदान है, बहुत योगदान है। उन्होंने जनहित के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत महान कार्य किए हैं, और उनके देवतुल्य है वो, देवतुल्य है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नफरत? क्या चीज? नफरत। नफरत क्या हुआ, बढ़ा है क्या सरकार में? नहीं, अभी नहीं बढ़ा। 10 साल में नफरत बढ़ा है क्या? देश नहीं बढ़ा, अभी नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ा। प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत है अभी। हिंदू राष्ट्र बनाना है, नहीं बनाना? हिंदू राष्ट्र बनाना है। जय श्री राम, जय श्री राम। इसको थोड़ा ऊपर करो यार। नाम क्या हुआ तुम्हारा? पूछ तो ले भाई। अच्छा सुनो ना, नाम क्या हुआ? पवन। हाँ पवन। पवन जी क्या हाल है? बढ़िया सर। कहाँ से आए हो? रोहिणी। रोहिणी से नहीं आए? रोहिणी से आए, कहाँ से क्यों नहीं आएंगे? रोहिणी से आए। कहाँ से आप? रोहिणी। आपका नाम क्या हुआ? नाम क्या हुआ? राजू। राजू जी क्या हाल चाल है? बढ़िया। मोदी जी को सुनने आए थे? जी। जा रहे हैं? हाँ जी। सुने कहाँ मोदी जी को? सुन तो रहे हैं, अंदर से आए। हाँ अभी चल रहा है मोदी जी का। हाँ चल, मोदी जी तो आएंगे अभी। हाँ हाँ आएंगे तो यहीं पर। जय श्री राम, जय श्री राम। वार रुका, मोदी जी ने वार रुकवा दिया ना? मोदी जी ने रुकवाया ना, दोनों अध्यक्षों से बात करके, वहाँ के यूक्रेन और रूस के। हिंदुस्तान का झंडा ही काफी है वार रुकवाने के लिए। हिंदुस्तान का झंडा काफी है, काफी पावरफुल हो गया, इतना पावरफुल झंडा हो गया। पाकिस्तान के लोग निकल के आगे झंडा उठा के हाथ में लीजिए और सेफ निकल करके आप आइए, कोई टेंशन नहीं, ना रशिया का आदमी आपसे कुछ बोलेगा और ना। अच्छा अभी क्या हुआ है, एक दो तो घटना जो हुआ है, जो हम फैक्ट का बात करते हैं वो भी उस पर भी बात रखिएगा अपना। नेपाल जैसा छोटा देश जो है अपना नया नोट निकाला है, नोट उसमें जो अपना मैप दिया है उसमें भारत का भी कुछ हिस्सा रख लिया है। अच्छा दूसरा क्या है कि चाइना सुन रहे हैं 40,000 किलोमीटर जो है वो सब अफवाह है, सब बेकार की बात है, सब अफवाह है। हवाबाजी, विपक्ष का बोला है। मोदी जी काहे पसंद है आप लोग को? मोदी जी ने बहुत काम किया है, और मोदी जी की इतनी योजना है कि वो इतनी है कि बताने में भी काफी टाइम लग जाएगा। फिर भी लगभग कितना टाइम? मतलब ये इनकी कहा था कि चप्पल पहनने वाले को हम हवाई जहाज पे चढ़वाएंगे। आप प्रैक्टिकल देखो ना। सर मैं देख रहा हूँ प्रैक्टिकल। मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल चढ़ने वाले को हम प्लेन पे चढ़वा, प्लेन का किराया कितना हो गया? वो नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ आप आज आम लोगों के बजट से बाहर हो गया सर। क्या किराया सर? एयरपोर्ट पे आप जाके देखो कितना भीड़ है। भीड़ पहले भी थी सर? नहीं पहले जो क्या बात करते, पहले मोबाइल रखना, हवाई यात्रा करना ख्वाब होता था, अब नॉर्मल हो गया। जनसंख्या का बहुत विस्फोट होने वाला है, मोदी जी ठीक करें अगर ये मोदी जी कानून कहने बनाते हैं, कानून बनाएंगे ना अभी दो हजार 400 पार करके कानून बनाएंगे, एक एक करके बनेगा बनेगा। मोदी जी कितने भाई बहन है? अरे मोदी जी पहले का अरब में बहुत फर्क है ना। अब कितने भाई बहन है? अरे मोदी के बहन भाई के छोड़ो, सर आपने बोला कि जनसंख्या का बम विस्फोट हो रहा है, तो मोदी जी कितने भाई बहन पे थे? आज के टाइम में बहुत ज्यादा विस्फोट हो रखा है, 400 पार इसीलिए मांगा जा रहा है। पाकिस्तान अधिकृत हमारा हो जाएगा, अभी तो कश्मीर हमारा हो गया ना, कश्मीर हमारा हुआ 370 अड्डी, धारा 370 अड्डी 35 अड्डा, आप अपना मकान खरीद सकते हो वहाँ जाके, वहाँ की बहन बेटी इधर शादी कर सकती है, आप वहाँ शादी हो सकती है। मिल गया आप तो, पूरा मिल गया ना, अभी 370 अड्डा कश्मीर अपना हुआ, अब पीओके भी अपना होने वाला है। मोदी जी आ गए क्या? आ गए, आ गए, चालू हो गए बोल। नहीं हम तो यही है, ये जा रही है, अंदर उमस बहुत हो गई है। हम आपके एक बात से सहमत नहीं है। क्या बताइए? आप बोलिए मोदी जी ने विकास किया है, हम बोलेंगे बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है सर, हर सरकार काम करने आती है, विकास करेगी, लेकिन क्या राजनीति में धर्म का इतना मिश्रण होना चाहिए? धर्म कहाँ मिश्रण हो रहा है? ना बोल के जाइए।
सही बोल रहे हैं। क्या क्या बोले? सही बोल रहे हैं। चौक पर जाइए, लेबर लेबर लेने आपको मिलेगा ही नहीं। वो मांगे 800 रुपए 1200 में महंगा नहीं है। सिलेंडर महंगा नहीं है, 1200 महंगा नहीं है। कांग्रेस के टाइम में कितने का सिलेंडर था? मोदी जी ने बोला था 15 लाख रुपए। कहाँ गए? कौन से कहाँ बोला था मोदी ने 15 लाख रुपए? जुमला कहाँ था? जुमला था नहीं, जुमला था। तुम कर रहे हो असामाजिक तत्व है दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली में रहते हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली का खाते हैं और दिल्ली के ही कोसते हैं और दिल्ली गलत कहते हैं। मोदी जी को गलत नहीं कहते, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी, चाहे उनके मंत्री हो नितिन गडकरी जी हो, रोड का अगर आज किसी ने काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, राम मंदिर का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, धारा 370 हटाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, जनता के चंदा से बना, जनता के चंदा से बना, नरेंद्र मोदी जी ने बनाया।